नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। आज हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इस शहर का जितना महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व राजनैतिक दृष्टिकोण से भी है। इस जगह की जो स्थिति है वो कितनी बदल गई है और यहाँ के लोग मौजूदा सरकार के विषय में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम परिक्रमा है। परिक्रमा जी, क्या करते हैं आप? सर, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर वर बनाते हैं जी। ये बताइए कि योगी सरकार जब से आई है और देश में मोदी सरकार जब से आई है, आप देख रहे होंगे अयोध्या को लेकर दोनों सरकारें बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। अयोध्या पे उनका विशेष ध्यान है जी। अयोध्या में इन योगी सरकार को आने के बाद, योगी सरकार के अयोध्या में आने के बाद किस तरह की परिवर्तन आप देखते हैं? जी, बहुत अच्छा है। जब से आदित्यनाथ योगी और मोदी जी आए हैं, अयोध्या पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा लग रहा है। और अपने ये राम जन्मभूमि है, ये भी अच्छा बन रहा है, ठीक ठाक बन ही रहा है और साफ सफाई भी अच्छा है। और फिलहाल जब से मोदी जी हैं, अच्छा काम हो रहा है, गरीबों के लिए भी अच्छा हो रहा है। और ये अपने रामपैड़िया का पार्क है, ये भी अच्छा साफ सफाई से हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लोग बैठते हैं और स्नान भी करते हैं। कोई पहले से, जैसे पहले 2015 में पहले साफ सफाई उतना नहीं रहता था, फिलहाल अब बहुत अच्छा लग रहा है। चारा मतलब अब गंदगी नहीं है? नहीं है, और भी हर जगह भी बढ़िया काम हो रहा है अपने पूरे अयोध्या में। मतलब अयोध्या में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं? बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से। हाँ, हो रहा जी। है। अच्छा, रोजगार की बात करें, देखिए योगी सरकार मोदी सरकार पे लगातार यह सवाल उठता है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अयोध्या की धार्मिक महत्व तो था ही पहले से, अब पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अयोध्या की नगरी विकसित हो रही है और उस हिसाब से सरकारें इसको डेवलप भी कर रही है, लेकिन बेरोजगारी की बात करते हैं, पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगार युवा हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो राजगीर हैं, राजमिस्त्री हैं आप, मतलब घूम घूम के आपको जॉब भी, आप रोज आपको जॉब मिलता है, रोज आप काम करते हैं, मतलब हर दिन आप कुआं खोदते हैं, हर दिन पानी पीते हैं, ठीक है। लेकिन साझा तौर पर देखा जाए तो जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पर यही है कि अपना बताइए कि जैसे जो भी काम हो रहा है धीरे धीरे, अरे जब मेहनत करेंगे तभी तो होगा। अच्छा, मेहनत करेंगे तभी। हाँ, और काम क्या मोदी जी जाकर के यहाँ पर दे करके जाएंगे, अपने आप से ढूंढोगे तभी तो मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं दे के जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाइए। हाँ। मोदी जी भी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए जी, कि बोलेंगे जैसे करेंगे तभी तो खाएंगे। अब मोदी जी फिलहाल तब भी अच्छा दे रहे हैं, अब महीने में 2 कोटा का राशन का जो भी फ्री का दे रहे हैं राशन भी, और जो भी है 2000 रुपये अभी मिल रहा है गरीब आदमी को। गरीब आदमी को मिल रहा है कि किसानों को मिल रहा है? नहीं, किसानों को, सब लोग को मिल रहा है। अच्छा, सब लोग को मिल रहा है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है उसको भी मिल रहा है। अच्छा, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, सबको मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, आपको राशन मिलता है? जी, हमें मिलता है, एक महीने में मतलब 2 बार मिलता है फ्री। अच्छा, एक महीने में 2 बार फ्री मिलता है जी, जैसे एक 15 दिन के बाद में फिर मिलता है, 2 बार मिलता है, जैसे एक 15 तारीख को हो गया, एक फिर 30 तारीख को हो गया, ऐसे मिलता अच्छा, है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप राजगीर हैं, राजमिस्त्री हैं, बीच में आपको याद होगा कि 2 बार कोरोना जो था वो बहुत बढ़ गया था, लॉकडाउन लग गया था देश में, हम लोगों ने एक लंबा लॉकडाउन झेला है। हाँ, उस दौर में आपकी कमाई तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी क्योंकि सारे काम धंधे ठप थे, ऐसे में आपका काम कैसे चलता था? काम ऐसे ही चलता था कि हाँ, गाँव में काम कर लिए, कोई किसानी का काम जैसे हो गया, खेती बाड़ी का काम तो 100-200 से मिल गया, अपना खर्चा लगा लिए, घर का भी खर्चा चल रहा है, और लॉकडाउन में कौन बाहर निकलो तो पुलिस डंडा मारती थी। अच्छा, एक सवाल और, मनरेगा, मनरेगा जानते हैं ना? नरेगा वही जी, जानते हैं जी। उसके तहत आपको कभी काम मिला? जी, मिला है, लेकिन जब लॉकडाउन ही तो किधर ही काम ही मिलेगा। अरे, मनरेगा में तो काम चल ही रहा था, मोदी जी तो बोल रहे थे कि मनरेगा के माध्यम से हमने बहुत काम दिया, लोगों को फंड्स की कमी नहीं आई। जी, कमी तो नहीं आई, लेकिन अब कर तो रहे, जो जिसको है वो कर ही रहे थे। हम लोग तो राजमिस्त्री हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा, आप लोग राजमिस्त्री हैं, आपको नहीं पता है। भैया, आप कुछ कहेंगे? आप कहाँ से हैं? हम गोसाई विधानसभा, गोसाईगंज से, 276 विधानसभा लगती है, लोकल के ही हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे भाई ने बताया रोजगार को लेके,
अभी यहाँ अयोध्या आईटीआई में जो कैंपस लगा है उस बेस पे हम लोगों ने अभी अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, आप देख लीजिए उसमें रोजगार की कंडीशन क्या है। हमसे आईटीआई पास हुआ, बीएससी हुआ, कंप्यूटर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये हमारे भाई हैं, ये बीटेक किए हुए हैं और इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर हैं। मैं सेल्फ खुद आईटीआई का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर क्या दिखाते हैं लोगों को? रोजगार है, रोजगार है, रोजगार है। सरकार मीडिया पे क्या कहती है, जो दिखाएगी, सोशल मीडिया दिखाती है, उसे भी लोग आदमी दबा देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अयोध्या जो था पहले, अभी उसमें 10% बदलाव आया है। 10% में क्या आप देख सकते हैं, जैसे भाई ने बताया 2015 में, मैं भी यहाँ 2015 में साकेत महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पर गंदगी थी, तमाम तरीके की परेशानी थी। अब उसमें से केवल सौंदर्यीकरण हुआ है, बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब सरकार ने सिर्फ सुंदरीकरण पे ध्यान दिया है और कुछ नहीं। और चलिए, रोजगार वाली बात हो रही थी तो आपको मतलब आपका कहना है कि वाकई में बेरोजगारी है और सरकार विज्ञापनों के माध्यम से कहती है कि नहीं, देश में बेरोजगारी नहीं है। आप ये देख लीजिए, जो भी रोजगार केवल उनका वेबसाइट हुआ या सोशल जो सर्विस होती है केवल नेट पर ही संबंधित है, जमीनी स्तर पर जो है वो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। आप खुद बताइए, आप इतना जगह आपने इंटरव्यू किया होगा, कहीं भी इंटरव्यू, जो भी छात्र युवा मिले होंगे जो जिसकी एज 20 से या 25 के बीच में रहा, उसे पूछिए आप सेल्फ क्या करते हैं, स्टूडेंट होने के नाते आपकी क्या कुछ है आपके पास? सेल्फ आपके पास आपने दे दिया, मैं देख लीजिए, आपको बता रहा हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा रोजगार क्या दिया है मोदी सरकार ने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी आपकी सर्टिफिकेट है? ये मेरा पूरा बायो पर्सनल डाटा है। देखिए, ये अभी पिछले महीने मैं यहाँ अयोध्या में इंटरव्यू दिया, पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद क्या सरकार हमको सैलरी क्या दे रही, प्राइवेट 9,000, तो 9,000 क्या हम वहाँ खाएंगे, क्या हम रूम का किराया देंगे, क्या हम भाड़ा देंगे, क्या हम अपने रखेंगे? ये भाई राजगीर है, बता रहा है राजगीर है, ठीक है, उससे पूछिए उसकी पर्सनल परेशानी क्या है, उसके समाज में किस तरीके से लोगों को काम से, रोजगार से, पूछिए क्या इनको दिक्कत है। सरकार कहती है हम लोगों को राशन देते हैं, पानी देते हैं, हर एक चीज़ देते हैं, तो ये बताइए क्या एहसान करती है सरकार हम पर? क्या एहसान करती है? वो कहती है 10 रुपया दे दीजिए, इससे पहले सरकार में मिलता था जो राशन मिलता था वो चला जाता था दूसरे देश में, चला जाता था तीसरे देश में। क्या 2015 या 2017 के पहले कोई उत्तर प्रदेश में राशन नहीं मिलता था? मिलता था, ये थी कि उसमें कहीं गड़बड़ घोटाला जो भी होता था, सरकार उसमें अब ठीक तरीके से पर्दाफाश कर दे रही, ठीक है, लेकिन ये मत सरकार अपने ऊपर ले, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हिंदुस्तानी हैं, टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। समाज में जो भी परेशानी है उसको सरकार को जागरूक करना चाहिए, उस क्या कहते हैं लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये वैकेंसी चल रही है, ये रोजगार चल रहा है, ग्रामीण स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, तो देशद्रोही हो जाएंगे, देश हम कैसे सिद्ध करें कि हम देशभक्त हैं? अच्छा, हाँ ये बात तो है, कैसे सिद्ध करें कि आप देशभक्त हैं। और एक एक सवाल महत्वपूर्ण है कि आप देखिए अयोध्या में हैं हम, ठीक है, मोस्टली मैं धार्मिक थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जो धार्मिक पहलुओं से रहेगा, धार्मिक दृष्टिकोण से रहेगा, क्या यहाँ पे यहाँ के लोग श्री राम जन्मभूमि बन जाने के बाद जो सामान्य समस्याएं हैं जिस पे मतलब अभी आप बात कर रहे थे बेरोजगारी पे और तमाम समस्याएं, महंगाई पे मैं बात करता हूँ, तो क्या राम मंदिर भारी पड़ेगा इन सारे मुद्दों पे? देखिए, आज का युवा, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में आया था तो उन्होंने बताया कि सब डिजिटल हो जाएगा, और आज का जो युवा है वो जान रहा है हमारे अधिकार क्या हैं, हमें कहाँ वंचित किया जा रहा है, हम किस चीज़ के लिए, हम ये थोड़ी है हम पैदा हुए बस कर रहे हैं, मर जाएंगे एक दिन चले जाएंगे, ये नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है हमारी एजुकेशन क्या है, हमारे आने वाली भविष्य क्या है, नस्ल क्या है हमारी तय करेगी हमें किस चीज़ को लेकर चलना है। धार्मिक अलग चीज़ है, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हम धार्मिक, आज धर्म के नाम पर क्या होता है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है। धर्म का काम होता है आदमी को जीवन जीने का एक तरीका मिलता है धर्म से, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी एक धर्म में बताइए। मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है उसको, मतलब ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर अपना असर, जो कि आप संविधान भी पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, संविधान में ये है कि राज्य विशेष का कोई धर्म नहीं हो सकता। राम मंदिर बन रहा है और अच्छा बने, ये हमारी भी दुआ है, क्योंकि हम तो इस देश के नौजवान हैं, युवा हैं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई में, लिखाई में, फौज में, हर तरीके से अपने देश के लिए हम बलिदान देना चाहते हैं, हर तरीके से दिन पर दिन हम यही सोचते हैं कि किस तरीके से हमारा खून इस देश में कोई भी हिसाब से काम आ जाए, ताकि हमें मरने के बाद भी हमारे घर वाले ये गर्व से जिए कि हमारा बच्चा इस देश के लिए कुछ किया, आया था, ये नहीं था कि लोगों की तरह आया चला गया।
बात ये है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए योगी जी को आपको कुछ सुझाव देने का मौका मिले कभी, या योगी जी आपको कॉल किए कि भाई बताओ मुझे और क्या करना चाहिए, तो आप क्या सुझाव? देखिए मेरी हैसियत तो इतनी नहीं है कि मैं उन्हें सुझाव दूं, उनके पास बिल्कुल क्यों नहीं है हैसियत है, सुन लीजिए मेरी बात, उनके पास कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्या रखा है, उनके पास तमाम ISPCS अधिकारी रैंक के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जिला अधिकारी हैं, DM SDM SSP है, सब मजिस्ट्रेट है, उनके पास वो अपने प्रशासन सुविधा जिस तरीके से देखना चाहें, उन्होंने उनसे राय मांगे, लेकिन ये तो मनमौजी होता है, जो समझ में आता है किसी को आता है हटा देते हैं, किसी को बढ़ा देते हैं, निकाल देते हैं, क्या है? ऐसा भी नहीं कि हमारा देश एकदम गवारों के हाथों में चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह है कि योगी सरकार अपनी कैबिनेट में जो बात करते हैं ज़मीनी स्तर पे, आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी नगर, किसी भी ग्राम, किसी भी मंडल, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, वो ज़मीन पे नहीं है, केवल आज का विकास के सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो सच्चाई न दिखाया जाए तो वो गोदी मीडिया दिखाने वाली नहीं है कि देश में रोज़गार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब हम क्यों पलायन करते हैं। अच्छा आपने गोदी मीडिया का एक जिक्र किया, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, गोदी मीडिया से आप क्या समझ रहे हैं? गोदी मीडिया से मैं यही समझता हूँ, अच्छा आप बताइए मीडिया की जो आज़ादी है, मीडिया क्या वो सत्ता पक्ष की केवल आपका आपका चैनल का नाम है लोकतंत्र, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोकतंत्र देख के मैं वहाँ से घूम रहा था, मैं कहा कि चैनल का नाम है लोकतंत्र तो बोलना मुझे उचित होगा, तो मैंने कहा ठीक है बोलते हैं देखते हैं क्या होता है। द लोकतंत्र नाम हमने इसीलिए रखा क्योंकि हमें लोकतंत्र की आवाज़ बननी है, जब ये वीडियो जाएगा तो आप उसमें पढ़ेंगे कि हम निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि हमारी पक्षधरता जनता के प्रति है, जनता के प्रति है, हम भी तो पूरी, ये तो हमारा हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि सरकार को भी ये संविधान मतलब इजाज़त देता है कि उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उस पर क्या कहते हैं जनता उससे सवाल पूछेगी 5 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो जो क्या किया क्या नहीं किया, तो ये आज का युवा जो है ये अब खुद डिजिटल हो गया है, उसे सारे चीज़ की जानकारी है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, मीडिया क्या दिखा रही है, लोकल मीडिया क्या दिखा रही है, सोशल मीडिया क्या दिखा रही है, नेशनल मीडिया क्या दिखा रही है, नेशनल मीडिया का काम जान रहे हैं आज क्या है, सरकार की नीतियों का प्रचार करना, सरकार की नीतियों का प्रचार करना, और मीडिया का काम क्या होता है, पर्दाफाश करना होता है, अगर सरकार की बात जनता तक नहीं पहुंच रही है तो मीडिया का ये काम होता है कि वो जनता की बात सरकार तक पहुंचाए, उनके कैबिनेट तक पहुंचाए, उनके मंत्रिमंडल तक पहुंचाए, लेकिन आज मीडिया क्या कर रही है, सरकार का प्रचार कर रही है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर संदीप मौर्या है। अच्छा संदीप मौर्या, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कर चुके हैं? नहीं, इलेक्ट्रिकल ITI हो चुका है, मैं सिविल डिप्लोमा हूँ जी। अच्छा सिविल डिप्लोमा कर रहे हैं। रोजगार के बारे में आपसे सीधे रोजगार के बारे में पूछते हैं क्योंकि आप भी रोजगार ढूंढ ही रहे होंगे, भाई ढूंढ रहे थे आप भी? वही इंटरव्यू देने लिए। अच्छा हम दोनों लोग साथ ही में आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद शारिक अंसारी है। अच्छा यहाँ पे जॉब के नाम पे कोई कुछ भी नहीं है, केवल जैसे लगता है कि 8-9 हज़ार रुपये सैलरी लेकर बस लेबर बटोर लो कि बस केवल खाओ और काम करो बस, हाँ अन्य भविष्य के लिए कोई यहाँ नहीं है इनकम। अच्छा इनकम की भविष्य का कोई योजना नहीं है, के लिए कोई योजना मतलब नहीं, सरकारों ने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, रास्ता बनाया ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। सरकार कहती है कि आप जनसेवा पोर्टल पे जाइए और रोजगार वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, 6-6 बार उस पे लॉगिन कर दिए, 6-6 बार 7-7 नंबर से ID बना चुके हैं, किसी पे तो कोई ऑफर आए, जिस पे ऑफर आता है, कोई पे 5,000 कोई पे 3,000 कोई पे। मुझे लगता है मोदी जी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन है भैया, इसको देखा जाए। योगी सरकार में ये है कि जो भी गवर्नमेंटेड जॉब है, चाहे वो पुलिस की हुई चाहे, ये एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि इसमें कोई घूस नहीं, कोई कुछ नहीं, जो जो मतलब इसकी तारीफ आप एक चीज़ की मैं तारीफ करूँगा, हाँ। कि अगर जो काबिल है, अगर सरकार ने वैकेंसी निकाली उसमें ये एक चीज़ हुआ है कि घूस नहीं लगता, ये मैं योगी सरकार की ये एक चीज़ की तारीफ करूँगा कि क्या कहते हैं कि उसमें घूस नहीं लगता, भ्रष्टाचार वाकई ख़त्म कर दिया है। भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार ही ख़त्म हुआ, जब भ्रष्टाचार करने वाले ख़त्म होने चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता, भ्रष्टाचार करने वाले खत्म हो तब भ्रष्टाचार खत्म होगा।